हेलो, कैसे हो भाई? तो यार, आज जो है हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो यार, लास्ट तक वीडियो देखना, आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है? इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है, तो पूरी वीडियो देखना। ये 10-15 सेकंड देख के मत जाना कि भाई सोर्स कोड कहाँ है, सोर्स कोड कहाँ है। पूरा कोड को समझ लो यार, आराम से, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बस 2-4 मिनट ही लेऊंगा आपकी और पूरा बता दूंगा। एक छोटा सा कोड है ये, आप भी आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले यार, हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको मतलब क्लास दे देंगे सेंटर, और उसके स्टाइलिंग डैश डैश टोटल, और 1080 जो है हम लोग पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है? फिर तुम लोगों को उस डिव के अंदर ही ये 1080 डिव करनी है, कॉपी पेस्ट मार देना। और बस ये क्लास जो है पार्टिकल ही रहेगी सबकी, और स्टाइलिंग जो है बस इंडेक्स 1 2 3 चेंज करते रहना है। HTML में सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है, बाकी जो काम है सारा CSS का है, ठीक है? CSS का मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या कि ये वेरिएबल्स ले रखे हैं, जो भी तुम्हें दिख रहे हैं, लाइक एंगल, रेडियस, एक्स वाई, ये एंगल 2, x2 y2, जो साइज है वो, स्पीड, ये डिले, ये सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं। मैं इनके फंक्शंस भी बता देता हूँ। लाइक जो एंगल है वो दैट स्टोर्स द एंगल वैल्यू फॉर पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है? रेडियस जो है वो रेडियस को स्टोर करता है पार्टिकल के मूवमेंट में, ठीक है? एक्स वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो पार्टिकल की पोजिशन डिफाइन करते हैं। जो एंगल 2 है वो एनिमेशन के लिए का उसकी वैल्यू स्टोर करता है, ऐसे ही x2 y2, और साइज जो है वो पार्टिकल के जो स्टोर हो रहा है उसके साइज को डिपेंड करता है। स्पीड एनिमेशन की जो स्पीड हो रही है, जो घूम रहे हैं पार्टिकल्स उनको डिफाइन कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हम एनिमेशन वाले पार्ट पे आते हैं, जो हमने एनिमेशन कर रखा है, ठीक है? तो जो एनिमेशन है ये कंट्रोल करता है एनिमेशन प्रॉपर्टीज को, जैसे नेम हो गया, ये ड्यूरेशन, टाइमिंग, ठीक है, डायरेक्शन, डिले, तो इन चीज़ों को जो ये मैंने मेंशन किए हुए हैं इनको कंट्रोल करता है, जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है? उसके बाद आती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इनको मतलब ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है, लाइक टू मूव देम, ओके? और उसके बाद ये ओपेसिटी आ गया। ओपेसिटी तो 0 दे ही रखी है। ओपेसिटी इट ओनली डिटरमाइंस द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 जितनी करोगे उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपेरेंसी है वो चेंज हो जाएगी, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है एलिमेंट, ठीक है? उसके बाद यार पार्टिकल स्टाइलिंग, ठीक है, उसमें बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, ये सब बेसिक सी चीज़ें, ये सबको पता होगा कि हाइट चेंज करनी, विड्थ चेंज करनी, वो तुम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और लास्ट में यार जो पोजिशनिंग है, तो पोजिशन जो है ये प्रॉपर्टी दैट ओनली स्पेसिफाइज द पोजिशनिंग मेथड दैट इज यूज फॉर दीज एलिमेंट्स, लाइक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव फिक्स्ड, ठीक है? एंड देन लास्ट इट्स कंटेन, दिस प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट कंटेंट शुड बी कंटेन विद इन इट्स पेरेंट कंटेनर, ठीक है? भाई 3 मिनट लिए हैं, प्रोजेक्ट बता दिया है, ठीक है? तुम इसको वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, खुद डिजाइन करके देखो, कोई प्रॉब्लम आए वो कमेंट करो, ठीक है? बट ये नहीं है यार कि सोर्स कोड दे सोर्स कोड दे, कम से कम वीडियो को समझो, चीज़ जो समझ नहीं आ रही उसे कमेंट करो, ठीक है? और भाई लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है? बाकी ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे तो फॉलो जरूर कर लेना।